हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्यू बेवल गियर इज इन स्क्यू बेवल गियर द एक्सिस, जो एक्सिस होते हैं यानी अक्ष जो होते हैं, एक्सिस का क्या है, प्लूरल है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो जो एक्सिस होते हैं, एक तो स्क्यू का मतलब ही होता है, एस की डब्ल्यू लिखा जाए जहां पे, वहां उसका मतलब ही होता है नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग। हालांकि बेवल गियर्स तो इंटरसेक्टिंग एक्सिस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी बेवल गियर्स को ही इस केस में यूज किया जाता है, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस के केस में, ठीक है। लेकिन इसके जो जो स्क्रू बेवल गियर के जो ऐसे यूज किए जाते हैं नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में, उसमें टीथ जो होने चाहिए, वो टीथ यानी दांते जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। दांते क्या होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। तो सो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ते हैं, और आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टीथ आर कर्व्ड, तो कर्व्ड नहीं होंगे, ठीक है, कर्व्ड नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगला लिख रहा है आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टीथ आर स्ट्रेट, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, कह रहा द पार्ट ऑफ टूथ, अगला सवाल है, कह रहा द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड द डिडेंडम सर्कल इज कॉल्ड, तो पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो जैसे हमने पहले भी बनाया था कि ये आपका टीथ होता है गियर का, ठीक है, एक टीथ हमने बनाया, ये हमारा बेस डिडेंडम सर्कल हम बना दिए, ठीक है। तो डिडेंडम सर्कल यहाँ पे फिलेट से जुड़ा होता है, और ये हमारा पिच सर्कल वाला पॉइंट है, तो पिच सर्कल वाला ये है पूरा हिस्सा, तो इसके ऊपर का हम लोग बोलते हैं फेस और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग फ्लैंक। तो डिडेंडम वाला यह है ही, तो डिडेंडम और जो आपका पिच सर्कल वाला है वो कहलाता फ्लैंक, ठीक है, क्या कहलाता फ्लैंक। और अगर बोले पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल, क्योंकि ये क्या होता है एडेंडम सर्कल, यहां से जो सर्कल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला फेस, गुड मॉर्निंग अंशदीप अविनाश गौतम सिंह सबको गुड मॉर्निंग। चलिए इस सवाल जो किए कर रहे हैं हम लोग करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं, सवाल पे हम लोग का ध्यान रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है, हम बताएंगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है, हम कमेंट देखेंगे, देख रहे हैं। तो फ्लैंक होगा, क्या होगा इसका, फ्लैंक होगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, कह रहा द इंटरफेयर इंटरफेस आर अंडर कटिंग इन इनवोल्यूट गियर्स कैन बी अवॉइडेड बाई, ठीक है, कह रहा कि जो आपका इंटरफेस, इंटरफेस नहीं होना चाहिए, इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस सबसे पहले होता है, और इंटरफियरेंस के कारण ही क्या होता है, अंडर कटिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, जब एक जब आपका दोनों प्रॉपर इन्वोल्यूट ना हो, दोनों दांते प्रॉपर इन्वोल्यूट ना हो, ठीक है, प्रॉपर इन्वोल्यूट ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, दांते नॉन कॉन्जुगेट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नॉन कॉन्जुगेट। जब देखिए, जब प्रॉपर इन्वोल्यूट होगा दोनों दांता, ठीक है, दोनों टीथ जो होंगे दोनों गियर्स के, एक गियर और एक पिनियन, ठीक है, दोनों के, तो वो कहलाएंगे जब प्रॉपरली इन्वोल्यूट होंगे, और उनका मॉड्यूल जब सेम होगा तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके कॉन्जुगेट,
लेकिन प्रॉपरली ना हो तो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉन्जुगेट। ठीक है, तो नॉन कॉन्जुगेट जब होते हैं मतलब प्रॉपरली इन्वोल्यूट नहीं होता दोनों में और मॉड्यूल दोनों का प्रॉपर ना हो, तो क्या होता है, एक का जो होता है टिप, जो मेनली ड्राइवर गियर जो होता है उसका टिप जो होता है वो क्या करता है, रूट सर्कल में जाके, बेस सर्कल रूट सर्कल में जाके क्या करता है, रूट मतलब रूट में अगले के ड्रिवन वाले के क्या करता है, वो एक तरह से पिटिंग वाला या पिटिंग का काम करता है, या फिर उसमें कुछ करने का मतलब उसमें जैसे होता ना प्रॉपर एक्शन नहीं होता उसमें, जैसे होता धसने का काम करता है। ठीक है, तो धसने का काम करता है इसीलिए उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस या फिर अंडर कटिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, तो वेरिंग द सेंटर डिस्टेंस बाय चेंजिंग प्रेशर एंगल, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, यूजिंग मॉडिफाइड इनवोल्यूट या कंपोजिट सिस्टम, ऐसा भी किया जा सकता है, इसके द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और एडेंडम को भी, इंक्रीजिंग द एडेंडम ऑफ स्मॉल व्हील एंड रिड्यूसिंग फॉर लार्जर व्हील। ठीक है ना, तो एडेंडम को क्या, क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे ये ड्रिवन गियर वाला जाता है, ठीक है, और ये ड्राइवर वाला, और ये अब इसका बेस सर्कल, बेस सर्कल बनाना जरूरी है, रूट सर्कल या बेस सर्कल, तो पहले रूट या बेस सर्कल बनाते हैं, और ये आपका जो है ये है ड्रिवन वाला। अब होता क्या है, जो छोटा वाला गियर है उसका यहीं पे दाता जो है ना यहीं पे जाके बस फंस जाएगा, मतलब ऐसे जो होगा लास्ट, एट लास्ट पॉइंट जब आपसे कॉन्टेक्ट छूट रहा होगा उसका, तो कुछ इस तरह से कुछ जाके काम करेगा। ठीक है, तो यही चीज, यही धसना जो है ना, यही इंटरफियरेंस या इन्वोल्यूट कहलाता है, इसके कारण इसमें जो है फंसाव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सही से ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको ये बढ़ा दें तो ये पूरा कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जो छूट रहा है वो कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो इसलिए बढ़ा करके स्मॉल व्हील या रिड्यूसिंग फॉर लार्जर व्हील। ठीक है, और सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर तो यहाँ पे क्या हो गया, सभी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी का यूज करके आप इन्वोल्यूट या अंडर कटिंग को क्या कर सकते हैं, इंटरफियरेंस या अंडर कटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अगला चीज, व्हाई आर गियर टीथ मेड हार्डर, क्यों गियर टीथ जो होते हैं गियर के दांते क्यों हार्डर बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों हार्डर बनाए जाते हैं, तो देखिए हार्डर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें वियर कम हो, वियर मतलब उनका घर्षण कम हो, घर्षण के कारण उनमें जो है क्या हो, घिसाव कम हो। ठीक है, घिसाव कम हो, ठीक है, टू वाइड वियर मेन पर्पज यही होता है। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं मटेरियल का, जो हार्डनेस होता है मेनली क्या करता है, पेनिट्रेशन और वियर को अवॉइड करता है, पेनिट्रेशन और वियर को अवॉइड करता है, तो पेनिट्रेशन ज्यादा कोई दिक्कत वाली है नहीं, क्योंकि गियर्स में मेन प्रॉब्लम क्या है, वियर का घिसने वाला, क्योंकि पेनिट्रेशन तो एक होता है आपका, कैसे होता है पेनिट्रेशन वाला काम, केवल आपका हो सकता है, नैता लाल गुड मॉर्निंग, पेनिट्रेशन वाला जो काम गड़बड़ी होगा, ठीक है, वो कब होगा, जब इंटरफियरेंस होगा, तो इंटरफियरेंस होने दिया जाता नहीं है गियर्स में, गियर्स में इंटरफियरेंस नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, उसका एक चीज होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, एक फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पेनिट्रेशन होने नहीं दिया जाएगा, तो होता क्या है मेनली वियर होता है, वियर मतलब घिस जाता है गियर, समय के साथ साथ घिस जाता है, इसलिए ये हार्डर मटेरियल के बनाए जाते हैं। ठीक है, गियर किसके दांत, गियर के दांते हैं, इसलिए हार्डर बनाए जाते हैं, यानी इनका हार्डनेस जिस मटेरियल का यूज किया जाएगा उसका हार्डनेस ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि इन गियर्स इंटरफियरेंस टेक्स प्लेस व्हेन, गियर में इंटरफियरेंस कब होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि गियर में इंटरफेरेंस कब होता है, तो अभी आपको बताएं, टिप ऑफ ए टूथ ऑफ ए मेटिंग गियर डिग्स इनटू द पोर्शन बिटवीन बेस एंड रूट सर्कल, तो क्या करता है वो पोर्शन में क्या करता है, वही जाके डिगिंग करता है। ठीक है, देखिए बेस सर्कल क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये रूट सर्कल ना, रूट सर्कल के थोड़ा सा ऊपर होता है बेस सर्कल, लेकिन बेस सर्कल कभी खींचा नहीं जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है उसी में जाके अभी दिखाया ना आपको डिगिंग होता है। ठीक है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए, अब सवाल आ गया,
कह रहा है एस्पर गियर हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, नंबर ऑफ टीथ 22, पिच सर्कल डायमीटर 14 mm, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्कुलर पिच। तो जैसे हमने देखा है सर्कुलर पिच पीसी जो होता है आपका होता है पाई डी ओवर टी, क्या होता है पाई डी ओवर टी, जहाँ पे डी क्या है आपका पिच डायमीटर है, ठीक है पिच सर्कल डायमीटर है, और आपका टी नंबर ऑफ टीथ है, तो पाई का पाई रहने देंगे 3.14, इसका हो जाएगा 22 नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ टीथ नहीं है क्या है, अच्छा इसको 22/7 भी कर सकते हैं क्योंकि 7 है तो कट जाएगा, 22/7 पाई को कर दिया, डायमीटर 14 है और ये कितना है ये भी 22 ही है, तो 7 × 14 ये 22 से 22 कट गया तो कितना आ गया 2, तो पिच सर्कल डायमीटर क्या आ गया 2 mm, ठीक है क्योंकि mm में आ गया क्योंकि ये हम यूज क्या कर रहे हैं डी को किस में यूज कर रहे हैं mm में यूज कर रहे हैं, ठीक है तो ये आपका फार्मूला होता है। वेरी गुड गौतम सिंह, वेरी गुड, 2 आ गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल टू कैलकुलेट द वर्किंग डेप्थ ऑफ गियर, ठीक है इनमें से कौन सा जो मेथड है वो कह रहा है कि सुटेबल है टू कैलकुलेट द वर्किंग डेप्थ ऑफ गियर। तो आपने आंसर दे दिया है कन्हैया लाल ने आंसर कर दिया है डी जो कि करेक्ट है, ठीक है क्या होता है सम ऑफ एडेंडम्स, एक्चुअली होता है क्या वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा कि मतलब एक गियर है और दूसरा गियर है, ठीक है तो दोनों क्या करेंगे मिस करके चलते हैं, ठीक है दांते हम सही से नहीं बना रहे हैं, तो होता क्या वर्किंग डेप्थ कितनी गहराई तक दोनों जा रहे हैं, ठीक है तो आप जब देखेंगे तो जोड़ेंगे क्या इसका एडेंडम और इसका एडेंडम दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का एडेंडम जो होता है मिला के ही क्या होता है वर्किंग डेप्थ होता है, ठीक है तो सम ऑफ एडेंडम ऑफ बोथ द गियर्स ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर, ठीक है तो सम ऑफ एडेंडम के बराबर होता है, ये फार्मूला है याद रखिएगा, वर्किंग डेप्थ दोनों के एडेंडम का सम होता है, ठीक है क्योंकि क्या लिखा जाए एक क्या छोड़ा जाता है, देखिए बात क्यों हम कह रहे हैं ऐसा क्योंकि देखिए ये क्या है आपका ऐसे जब गियर टूथ होता है तो ये पिच सर्कल है, ठीक है तो और ऊपर वाला एडेंडम नीचे वाला डिडेंडम, तो एडेंडम का मान नॉर्मली कितना रखा जाता है 1 मॉड्यूल के बराबर, और डिडेंडम का जो वैल्यू रखा जाता है वो क्या रखा जाता है 1.157 मॉड्यूल के बराबर, लेकिन होता ये इसलिए रखा जाता है कि इतने का हमको क्लियरेंस देना होता है, ठीक है क्लियरेंस भी छोड़ना यानी दांते पूरे अंदर तक नहीं जाएंगी, 0.157 mm मॉड्यूल का क्या दिया जाता है क्लियरेंस, यानी कि क्लियरेंस का मतलब इतना छूटा रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए 1 मॉड्यूल ऊपर से 1 मॉड्यूल नीचे से, और आप जानते हैं कि 2 मेटिंग गियर का मॉड्यूल हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है इसीलिए जो होगा ये पिछले क्वेश्चन का आंसर हम मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा कि एक दोनों का एडेंडम का सम होगा, ठीक है क्योंकि 2 मेटिंग गियर का मॉड्यूल हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, अब इसमें बताना कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और ध्यान से इसको पढ़िएगा, कह रहा कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, देखिए कह रहा है पहला चीज प्रेशर एंगल के बारे में सब कुछ है, तो कह रहा है प्रेशर एंगल इज कॉन्स्टेंट इन इनवॉल्यूट प्रोफाइल थ्रू आउट द इंगेजमेंट, ये आपको बताए हैं ये सही है पूरे अगर इनवॉल्यूट है, गुड मॉर्निंग क्वेश्चन सेवन फिर से बताया नहीं है, देखिए होता क्या है अभी बताए कि दो जो मेटिंग जो गियर होते हैं उनका मॉड्यूल क्या होता है उनका मॉड्यूल दोनों का बराबर होना चाहिए, अब देखिए गियर दांते का पूरा डेप्थ कितना होता है एक दांते का जब आप सोचेंगे तो एक दांते का डेप्थ जब सोचेंगे तो वहां पे होता क्या है वहां पे होता है आपका एक मॉड्यूल एडेंडम प्लस डिडेंडम, यही ना एडेंडम प्लस डिडेंडम, तो आपका होता क्या है डिडेंडम में से एडेंडम को अगर आप माइनस करेंगे तो उतने का क्या होता है क्लियरेंस, तो थोड़ा सा क्या किया जाता है क्लियरेंस छोड़ा जाता है, ठीक है
तो आप देखिए ध्यान से, क्लियरेंस छोड़ने के बाद हो क्या रहा है, दो मॉड्यूल के बराबर ही तो आ रहा है आपका डेप्थ, और उतना अंदर तक आपका जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दोनों गियर का मॉड्यूल सेम होने वाला है, तो आपका डेप्थ कितना होगा, पहले का एडेंडम का सम कर लीजिए दूसरे का, क्योंकि 2m तो हो ही रहा है, पूरा जो वर्किंग डेप्थ होगा जितना अंदर जाएगा वो 2m ही है आपका, ठीक है। तो जब 2m है तो आप समझ सकते हैं पहले का एडेंडम दूसरे का एडेंडम, ठीक है। तो अच्छा ऑप्शन सी हो रहा है, सम ऑफ एडेंडम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है आपका सही है बात, हम जो है ध्यान नहीं दिए हैं, क्या है सम ऑफ देयर एडेंडम, ठीक है ना, सम ऑफ द एडेंडम नहीं, सम ऑफ देयर एडेंडम, हालांकि लग रहा है मुझे कहीं पे ऑप्शन में कहीं पे वो हुआ है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सम ऑफ देयर एडेंडम ऑप्शन सी होगा, वेरी गुड सही है। हम ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पे बस सम ऑफ एडेंडम दिया, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ देयर एडेंडम दिया है, तो देयर एडेंडम में ऑप्शन सी, चलिए सही है सही है, थैंक यू, ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग ये वाले सवाल पे, तो इसका आंसर क्या है आपका, क्या आप लोग दे रहे हैं, चलिए हम बताते हैं, ठीक है, अच्छा दीजिए आप लोग आंसर दीजिए, इसका इसका आंसर दीजिए, अब इसमें कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपको बता दिए कि सही है, वो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, वो करेक्ट है कि प्रेशर एंगल इज कांस्टेंट इन इनवोल्यूट प्रोफाइल थ्रू आउट द एंगेजमेंट, तो होता ही है, इसीलिए तो इनवोल्यूट को हम चूज करते हैं, अगर साइक्लाइडल होता है तो वहां पे क्या होता है, शुरू में मैक्सिमम टू जीरो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम टू जीरो जाता है पिच पॉइंट तक, फिर क्या होता है, फिर जो है आपका बढ़ता है मैक्सिमम की ओर, ठीक है, यानी कि हमेशा घटता बढ़ता रहता है एक तरह से जो आपका प्रेशर एंगल होता है उसमें, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो इन्वोल्यूट में होता है वो कांस्टेंट रहता है प्रेशर एंगल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रेशर एंगल वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट रिड्यूसेस टू जीरो एट द पिच पॉइंट, ठीक है, एंड अगेन इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट इन साइक्लोइडल प्रोफाइल, तो ये भी करेक्ट है, ये भी तो बताएं, अभी तो यही चीज हम बात कर रहे थे, साइक्लोइडल में क्या होता है, ये होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है इन इनवोल्यूट होगा, इनवोल्यूट टीथ आर, ठीक है, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड दस आर चीपर, ये भी करेक्ट है, इनको मैन्युफैक्चर करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, एक गियर के माध्यम से, गियर कटर के माध्यम से, और कुछ चीजें हैं और भी, इसका मतलब इसको मतलब बनाना बहुत आसान है, ठीक है, तो ये चीपर होता है, तो ये चीपर होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड दस आर चीपर, तो मैन्युफैक्चरिंग इजी होता है किसके कंपैरिजन में, साइक्लोइडल के कंपैरिजन में हम बात बस करें, ठीक है। और अगला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो फिनोमिनन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका सिंगुलर है यहां पे, तो फिनोमिनन होना चाहिए, कोई बात नहीं, फिनोमिनन ऑफ इंटरफियरेंस इन साइक्लोइडल प्रोफाइल, तो साइक्लोइडल प्रोफाइल में इंटरफियरेंस नहीं होता है, यह भी सही बात है, तो चारों ऑप्शन यहां पे करेक्ट हैं, ठीक है, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया था, ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं और एसएससी जेई में पूछा हुआ था, ठीक है, और इसका जो है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उसको कहीं भी टिक मार दीजिए, ठीक है, बाद में जो है जब आंसर की आता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन दे दीजिए, ठीक है, उससे क्या होगा, सब नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट नंबर मिल जाता है, ऐसे क्वेश्चन में नो करेक्ट आंसर बोला गया था एसएससी द्वारा भी, क्योंकि है ही नहीं इनकरेक्ट, कोई है ही नहीं, सब करेक्ट है, ऑल करेक्ट है, यहाँ पे बात समझ में आई, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, इनवोल्यूट टीथ को जो है बनाना भी आसान होता है, चीपर होते हैं, ठीक है,
और उसके अलावा जो है साइक्लॉइडल में जो होता है इंटरफेरेंस नहीं होता है, केवल इंटरफेरेंस किस में होता है, इन्वोल्यूट में ही केवल इंटरफेरेंस होता है, तो इसमें ये हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड द मॉड्यूल इज, सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो क्या होता है, तो इसको बहुत बार आपको बता चुके हैं, पी सी इज इक्वल टू पाई एम भी होता है और पी सी इज इक्वल टू आपका पाई डी ओवर टी भी होता है, तो इसका हम यूज करते हैं, तो सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई मॉड्यूल क्या हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल इज पाई, ठीक है, सिंपल सा आंसर पाई हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है द कॉन्टेक्ट रेशियो फॉर ए गियर इज, ये बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट रेशियो होता है किसी गियर के लिए वो कितना होता है, ठीक है, कह रहा है कि 0 होगा, कि ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, कि लेस देन 1 होगा, कि नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो देखिए कभी भी कॉन्टेक्ट रेशियो का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इन कॉन्टेक्ट, और मेनली ये पेयर ऑफ टीथ है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम एक तो कॉन्टेक्ट में हमेशा रहना होगा, ठीक है, एक तो कम से कम एक तो हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना होगा, जब गियर चलते हैं तो एक पेयर मतलब दोनों गियर का एक पेयर, मतलब एक पेयर का मतलब एक दाता इसका एक दाता इसका, ऑलवेज विल बी इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, ठीक है, तो एक तो होगा ही, ठीक है, और हमेशा एक होगा और एक से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो जैसे आपका कॉन्टेक्ट रेशियो, जैसे आपने निकाला आपका 1.6 आ गया, मान लीजिए तो आपने कॉन्टेक्ट रेशियो निकाला और कॉन्टेक्ट रेशियो क्या आ गया 1.6, तो इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए, तो एक दाता तो ऑलवेज कॉन्टेक्ट में रह रहा है पूरे ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेयर है उसका केवल कितना 60%, केवल 60% कॉन्टेक्ट में रह रहा है, 40% कॉन्टेक्ट में नहीं रह रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऑपरेशन के दौरान केवल 60% उसका पार्ट ही क्या रह रहा है, कॉन्टेक्ट में रह रहा है, और आपका 40% कॉन्टेक्ट में नहीं रह रहा है, इसका मतलब यह है। मान लीजिए आपका यह भी हो सकता है 2.5 आ गया, कॉन्टेक्ट रेशियो 2.5, कॉन्टेक्ट रेशियो 2.5 होने का मतलब है कि दो दांते हमेशा कॉन्टेक्ट में है, ऑलवेज आर इन कॉन्टेक्ट, दो दांते मतलब इसका एक दो दांते मतलब ड्राइवर का भी दो और ड्रिवेन का भी दो, यानी दो पेयर कहने का मतलब, और साथ ही साथ जो तीसरा पेयर है उसका केवल क्या हो रहा है 50%, केवल क्या हो रहा है 50% कॉन्टेक्ट में रह रहा है, 0.5 का मतलब क्या होगा 50%, तो ये भी समझना जरूरी, अगर ये पूछ दिया ऐसे दे दिया कि 1.6 अगर आपका है कॉन्टेक्ट रेशियो, तो बताइए क्या हो रहा है, मतलब एक पेयर जो है ऑलवेज कॉन्टेक्ट में रह रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कह के पूछ देगा, तो आपको ये ध्यान रहना ये पता होना चाहिए कि 60% जो होगा, जो अगला पेयर होगा उसका केवल क्या होता है 60% कॉन्टेक्ट में रहता है ऑलवेज ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, और बाकी 40% नहीं रहता, यानी कभी प्रॉपर कॉन्टेक्ट में नहीं होगा दूसरा वाला, ठीक है। अगला चीज द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ टू स्पर गियर इन मेश इज जनरली, ठीक है, तो मोशन ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो जब आप लॉ ऑफ गियरिंग पढ़े होंगे तो वहीं पे बताया जाएगा, दो चीजें होती हैं, एक चीज और बोला जाता है उसमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, एक्चुअली में होता क्या है आपका गियर स्लाइड भी करता है और क्या करता है रोल भी करता है। देखिए जब आप फ्रिक्शन डिस्क की बात करते हैं, जब शुरुआत हुआ दो शाफ्ट पे, जब इंड सब जब शुरू शुरू में बहुत पहले जब शुरुआत हुआ, ठीक है, जब शुरुआत हुआ एकदम शुरू शुरू में एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए तो दो डिस्क यूज किए जाते थे, इनको बोला जाता था फ्रिक्शन डिस्क, तो इनके द्वारा जो पावर का ट्रांसमिशन होता था ये प्योर रोलिंग के माध्यम से होता था, प्योर रोलिंग, ठीक है, और जब गियर दांते बना दिए गए तो देखिए इसमें क्या होता है प्योर रोलिंग नहीं होता है, पार्टली स्लाइडिंग भी होता है, स्लाइडिंग कब तक होता है जब कॉन्टेक्ट में आता है और पिच पॉइंट तक जाता है तब तक उसके पास कुछ स्लाइडिंग वेलोसिटी होता है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कहीं किताब में पढ़िएगा, तो जब आपको लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ाया जा रहा होगा उसमें तो लास्ट में लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग,
और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो होता है पिच पॉइंट पे जाके जीरो हो जाता है, और डिपेंड करता है कि पिच पॉइंट से और कॉन्टेक्ट पॉइंट जो दोनों कॉन्टेक्ट में उनसे उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए डिस्टेंस जब जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग भी जीरो हो जाता है। एक्चुअली में होता है दोनों का एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी का सम। ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग का क्या फार्मूला, दोनों के एंगुलर वेलोसिटी का सम इनटू डिस्टेंस। वो किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पिच पॉइंट एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो आप जान रहे हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट पे क्या होता है, एक समय आएगा ऐसा कि कॉन्टेक्ट जो होगा वो पिच पॉइंट पर भी होगा। तो पिच पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जीरो हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं रहता तब तक उसमें वेलोसिटी भी रहता है, स्लाइडिंग वेलोसिटी भी रहता है। तो इसलिए दोनों तरह से, जब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग यहां जीरो हो जाता है वहां पे प्योर रोलिंग के माध्यम से पावर का ट्रांसमिशन होता है। क्योंकि ये देखिए यहां पे जब आपका दो डिस्क है तो हमेशा जो कॉन्टेक्ट में है वो क्या है, पिच पॉइंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्या होता है, पार्टली स्लाइडिंग एंड पार्टली रोलिंग दोनों के माध्यम से होता है। ठीक है, केवल रोलिंग केवल स्लाइडिंग नहीं होता है, दोनों होता है। ठीक है, बात समझ में आई, पार्टली आपका स्लाइडिंग भी होता है पार्टली रोलिंग भी होता है। जब एकदम पिच पॉइंट पे होंगे, जब दोनों का कॉन्टेक्ट एकदम पिच पॉइंट पे होगा तब तो प्योर मतलब पूरा रोलिंग होगा। ठीक है, लेकिन जब कॉन्टेक्ट पूरा पिच पॉइंट पे नहीं रहता है तो स्लाइडिंग मोशन भी होता है, और स्लाइडिंग मोशन के कारण पावर का ट्रांसमिशन भी होता है। यही फायदा है आपका दांता बनाने का, गियर टीथ बनाने का फायदा है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना होता तो क्यों आप इतना पैसा खर्चा करते, अगर केवल प्योर रोलिंग से आपका काम चल जाता, प्योर रोलिंग से अगर काम चल जाता तो इतना दांता वगैरह बनाने में, गियर टिथ बनाने में, उस वो भी हार्ड मटेरियल लगाना है तो इतना पैसा खर्च होता है ना। और इंजीनियरिंग आप जानते हैं कम पैसा लगा के ज्यादा आउटपुट निकालना, कम इनपुट लगा के, और यहाँ पे अगर इसी से काम चल जाता तो हमारा काम नहीं बन जाता, नहीं ना। लेकिन इससे बना नहीं, हाई स्पीड पे हमको स्लाइडिंग भी मिलेगा, हाई स्पीड पे आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए क्या यूज किया गया, दांते काटे गए, इन्हीं व्हील्स पर क्या किए गए, दांते बना दिए गए। तो यहां से क्या होगा, पार्टली स्लाइडिंग और पार्टली रोलिंग हो गया। ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा अपना फार्मूले के रूप में। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन स्पेस विड्थ एंड टूथ थिकनेस इज, जो स्पेस विड्थ और टूथ थिकनेस के बीच का जो डिस्टेंस डिफरेंस होता है वो कितना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ये है देखिए, एक दांता है और ये दूसरा दांता है, तो एक्चुअली में ये दांते का टूथ थिकनेस होता है यहां से यहां तक, और अलॉन्ग द पिच सर्कल मेजर किया जाता है। देखिए यहां पे मोटा बना दिए हैं लेकिन इससे बात नहीं है। ठीक है, आप समझिएगा दोनों का थिकनेस बराबर ही होगा, और ये कहलाता है स्पेस विड्थ। और इसी में जो अगला मीटिंग गियर होगा उसका दांता आके इसी में फंसता है। तो हमेशा क्या किया जाता है, स्पेस विड्थ और टूथ थिकनेस में थोड़ा सा क्या किया जाता है, क्लियरेंस छोड़ा जाता है। इस क्लियरेंस को ही हम बोलते हैं बैकलैश। क्या बोलते हैं, बैकलैश। क्या बोलते हैं, बैकलैश। तो बैकलैश होता है, ठीक है, बैकलैश क्या होता है, ये अवॉइड करता है जैमिंग को। ठीक है, जैमिंग ना होता कि, ठीक है, तो क्या होगा आपका, बैकलैश होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियरेंस नहीं होगा, फ्लैंक नहीं होगा। क्लियरेंस कब बोला जाता है, डिडेंडम माइनस एडेंडम, डिडेंडम माइनस एडेंडम आपका क्या होता है, क्लियरेंस होता है। और स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस क्या होता है आपका, बैकलैश होता है। फ्लैंक आपको बताया है, टूथ स्पेस का मतलब यही है, टूथ थिकनेस। ठीक है, नहीं सॉरी, स्पेस विड्थ टूथ स्पेस ये, ठीक है। हालांकि ये कोई टर्म नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं बोला जाता है, जो भी बोला जाएगा तो स्पेस विड्थ बोला जाएगा इसको, और इसको टूथ थिकनेस बोला जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि द रेडियल, वेरी गुड, आपका आंसर सही है गौतम सिंह। अगला सवाल कह रहा है द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ इज कॉल्ड।
क्या बोल रहा है, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ इज कॉल्ड, फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे फ्रॉम ठीक है, यानी पिच सर्कल से बॉटम तक का क्या कहलाता है, रेडियस डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिडेंडम, क्या बोलते हैं, डिडेंडम, ठीक है आपको बताए हुए हैं डिडेंडम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, एडेंडम, वेरी गुड गौतम सिंह आपने सही आंसर किया, डिडेंडम। अगला सवाल कह रहा है हेरिंग बोन गियर्स आर, हेरिंग बोन गियर्स कौन से गियर होते हैं, तो आपको ये बताएं, पहले भी ये सवाल आ चुका है, मतलब अलग वे में पूछा हुआ था, ठीक है, अब ये अलग वे में पूछा हुआ है लेकिन ये सवाल आ चुका है, ठीक है पहले भी। देखिए अब जो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन का जो है एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अब खत्म हो जाता है, ठीक है अब भी चीजें लेकिन एसएससी जी के जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाता है। और आज देख रहे हैं लोग मतलब जुड़े हुए हैं, इसके पहले देख रहे थे लोग जुड़ नहीं रहे थे, ठीक है, तो आज अचानक से जो है आप लोग की संख्या दिख रही है, मतलब ठीक ठाक मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक लग रही है, इसके पहले आप लोग जुड़ नहीं रहे थे, तो बताइए आप लोग इसके आगे देखिए, अगर आप ऐसे जुड़ेंगे तभी जो है क्लास चल पाएगा, मतलब हम कोई और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, अगर आप लोग वादा करें तो सब लोग, केवल एक बच्चा जो है रेगुलर मैं देखता हूं गौतम सिंह को, बाकी लोग तो हम मुझे नहीं लगता कि रेगुलर रहते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं देखिए, अगर मैं थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा तो आप बहुत बड़े बड़े कोचिंग का बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स देखते हैं या थर्मल कोई भी, दोनों में से कोई भी, फिर भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा, जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जब और भी कोचिंग वाले लोग बताएंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू तो मैं कर दूंगा लेकिन आप लोग वादा करिए पहले, जितने लोग 7 लोग अभी करंट में है, एक अभी फिर से गायब हो गए, कम से कम 5 लोग रहेंगे कि नहीं डेली लाइफ, तभी ना कुछ कर पाएंगे हम, अदरवाइज गौतम सिंह आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये लोग नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग कुछ किया जाएगा, अगर आप मतलब चाहते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कुछ भी हम बता देंगे, हमसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे, नंबर आपको पता होगा बताए हैं पहले भी, ठीक है, क्योंकि आज गियर जो है, गियर जो मतलब कहने का मतलब थ्योरी ऑफ मशीन आपके ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज खत्म हो रहा है, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि वाइब्रेशन वगैरह और भी कुछ टॉपिक होते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर सवाल तो एसएससी जेई में वही आपके फ्लाईव्हील तक जो अभी तक पढ़ाए हैं, गियर से भी आते हैं, यहीं तक समझ लीजिए आते हैं, हाँ थर्मल भी सही है, वही तो हम पूछना चाहते हैं, जो और लोग लाइव हैं वो लोग रहेंगे कि नहीं, साथ देंगे कि नहीं रोज रोज, फिर कभी कभी देखते हैं कि एक भी बच्चा नहीं लाइव है, हम वैसे ही बोले जा रहे हैं, फिर क्या मतलब होता है उसका भाई, जब आप लोगों को ही नहीं इंटरेस्ट होगा तो हम यहाँ पे चिल्ला के क्या करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं, तो हम थर्मल या कोई भी स्टार्ट कर दें, और एक बार आप पढ़िए फिर देखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, रहिए एक दो वीडियो में साथ रहिए, ठीक है, अगर आपको नए हैं अभी आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो एक बार जाइए पीछे वाला देखिए, एक बार जाइए पीछे वाला देखिए, पीछे वाला जो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन के एक दो शुरुआत के 2-3-4 लेक्चर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कितना जो है थ्योरी हम बता देते हैं उसके साथ साथ, ठीक है, तो ऐसे उनमें भी होगा फ्लूइड मैकेनिक्स या जो भी थर्मल जो भी करवाएंगे, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग के सब पार्ट मिला के, थर्मल इंजीनियरिंग में कितने पार्ट हैं, ऐप पे कैसे फ्री कर सकते हैं, ठीक है,
कुछ अर्निंग भी तो होना चाहिए। यूट्यूब से उतना अर्निंग नहीं होता है कि हम लोग का खर्च भी चल पाए। ठीक है, तो ये तो लाइव यूट्यूब पर ही फ्री में ही रहेगा, एमसीक्यू जितना करवाया जाएगा। ठीक है, ये तो फ्री में ही है। चलिए, अगर आप लोगों को कौन सा चाहिए और क्या चाहिए, सब लोग क्या करेंगे, या तो ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कमेंट कर देंगे, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट, वो थर्मल इंजीनियरिंग बेस आई होप हो सकता है, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में से कोई एक। ठीक है, और थर्मल इंजीनियरिंग आपका एसएससी जेई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, मतलब पूरा थर्मल इंजीनियरिंग में क्या आपका थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आता है सबसे पहले, तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मान के चलिए रहते हैं। फिर पावर प्लांट है, पावर प्लांट में जैसे बॉयलर वगैरह हो गए, और बोलते हैं वेपर पावर साइकिल्स। वेपर पावर साइकिल का मतलब जिनमें पानी का यूज करके वेपर बना के पावर जनरेट किया जाता है, उनको वेपर पावर साइकिल बोलते हैं, जैसे आपका रैंकाइन साइकिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, तीन हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या छूट रहा है, चौथा क्या छूट रहा है, चौथा आपका है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और भी कोई है, पावर प्लांट, आईसी इंजन, नहीं मतलब यही है मेनली। ठीक है, और कुछ तो नहीं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी था ना, थर्मोडायनेमिक्स भी था, और उसके बाद आपका पावर प्लांट था, पावर प्लांट के बाद आपका आईसी इंजन, आईसी इंजन के बाद ही। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, और ये पूरा जो है ना बहुत मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा वेटेज लेके आता है एसएससी जेई में। ठीक है, और देखिए इसमें लोग सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन सच में बताया तो कॉन्सेप्ट में सटलिटी सबके अंदर नहीं होता है। इसमें आप सवाल कर लेंगे जो रटे रटाए चीजें हैं, क्योंकि इसी एक पैटर्न पे पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमाया तो आप नहीं बता पाएंगे। तो उसमें बहुत सारी सटलिटी होती है कॉन्सेप्ट में, बहुत थर्मल इतना आसान भी नहीं होता है, लोगों को लगता है कभी कभी, मतलब ऑब्जेक्टिव करते हैं तो लगता है कि थर्मल आसान है, लेकिन ये हाँ एक और है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, ये अलग ही चीज है। ठीक है, ये भी है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, इससे भी सवाल किए जाते हैं, आते हैं आपके बहुत ज्यादा, कि मतलब जैसे आपका वेपर जो है ना होता है, जैसे वेपर फॉर्मेशन कैसे होता है, सेचुरेशन प्रेशर, सेचुरेशन टेम्परेचर, और इनमें क्या रिलेशन वगैरह होता है। ठीक है, तो आज देख रहे हैं हम, इसलिए बात कर रहे हैं, आज देख रहे हैं कि व्यूवर्स ज्यादा जुड़े हुए हैं लाइव, नहीं तो किसी किसी दिन एक दो बस व्यूअर जुड़ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 8-10 लोग जुड़िए डेली तो मजा आए। ठीक है, चलिए इसको बढ़ाते हैं, फिर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा लास्ट में, स्टार्ट हम लोग कंटिन्यू किया जाए और क्या किया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तभी, ये नहीं एक बच्चा केवल जो है बस बात कर रहा है, बाकी लोग कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो एक बच्चे को हम लेके हम लोग दो लोग यहाँ पे आके केवल बोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेरिंग बोन गियर्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हेरिंग बोन गियर्स क्या होते हैं, डबल हेलिकल गियर्स होते हैं। क्या होते हैं, डबल हेलिकल गियर्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है इन विच टाइप ऑफ गियर्स, ये गेराज हो गया, गियर्स है, इन विच टाइप ऑफ गियर्स द एफिशियंसी इज लेस बट स्पीड रिडक्शन रेशियो इज हाइएस्ट। तो याद रखिए ये वर्म गियर होता है, वर्म गियर आप घास काटने वाली मशीन, घास काटने वाली मशीन आप लोग देखे हैं कि नहीं, घास काटने वाली मशीन आप लोग देखे हैं कि नहीं, या चलाए हैं कि नहीं, जो लोग गांव से होंगे वो तो देखे भी होंगे, चलाए भी होंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें वर्म ही लगा होता है। आप देखिए कितना ज्यादा आप तेजी से चलाते हैं, लेकिन उसको कभी देखें जो अंदर का जो हिस्सा होता है कितना स्लोली 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 मूव करता है, तो स्पीड रिडक्शन बहुत ज्यादा होता है। आज से तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है, आज से तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा, बता देंगे कब से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड स्पीड रिडक्शन जो होता है ना बहुत कम बहुत ज्यादा होता है, कहने का मतलब स्पीड रिडक्शन गियर देखिए मेनली स्पीड रिडक्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं। मान के चलिए कि जैसे एक जो है किसी आरपीएम से चल रहा है, अगला जो है उसका आरपीएम स्लो कर दिया जाए,
ठीक है ना। तो वर्म गियर में जो होता है स्पीड रिडक्शन बहुत ज्यादा होता है और इनका इफिशियंसी भी इन सब में से सबसे कम इफिशियंसी इसका होता है। और इसकी इफिशियंसी का फार्मूला होता है 1 - sin φ / 1 + sin φ, ठीक है, ये याद करिए, याद कर लीजिएगा फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला पूछता, एक बार पूछा हुआ है पूरे मतलब एसएससी के लाइफ टाइम में एक बार ही फार्मूला पूछा हुआ, ठीक है। हाँ देखे भी हैं, चलाए भी हैं, हम भी देखे हैं, चलाए हैं, बहुत कुछ किए हैं, ठीक है। अगला चीज कह रहा है, इफ द एक्सिस ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर्स आर सेम देन सच गियर ट्रेन इज नोन एज। अगला सवाल का आंसर करिए, इफ द एक्सिस ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर्स आर सेम देन सच गियर ट्रेन इज नोन एज, इसका आंसर करती करिए। फिर जो है चार पांच लोग गायब हो गए, बस पांच लोग बचे, जो भी हैं बचे वो आंसर करें। देखिए जब सेम होता तो रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है, ठीक है। रिवर्टेड रिवर्टेड गियर ट्रेन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये गियर है, ठीक है, अब आपको सेम शाफ्ट पर ही पावर ट्रांसमिट करना है, लेकिन मतलब सेम लाइन ऑफ एक्सिस है, लाइन ऑफ एक्सिस दोनों का सेम है, सेम शाफ्ट है, मतलब सेम है, लेकिन आपको स्पीड का क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए। तो आप क्या करते हैं, ऐसे जो है एक गियर लगा देते हैं और ऐसे कुछ और ऐसे, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट हम लंबाई चौड़ाई नहीं बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो यही एक्सिस और ये इनपुट, ये है इनपुट, यहां पे दिया जा रहा है इनपुट, और ये है आउटपुट आपका, और सेम डायरेक्शन में भी चलता है, क्योंकि देखिए ये इधर की ओर तो ये इधर की ओर, ये इधर की ओर तो फिर ये वापस उसी डायरेक्शन में। तो ऐसे गियर ट्रेन को बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन एक बार ध्यान से देखिएगा, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बता देंगे, एक बार कमेंट कर देंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज पूछता है, दो जगह पर इसका यूज होता है और उसका मतलब फ्रिक्वेंट यूज दो जगह पर होता है और इसका यूज जो है पूछता है। एक होता है आपका क्लॉक्स में, एक होता है आपका क्लॉक्स में, ठीक है, घड़ी में, और दूसरा आपका होता है आपका लेथ मशीन में, लेथ मशीन में कहाँ पे, चक के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, चक स्पीड कंट्रोल के लिए, चक स्पीड कंट्रोल, जो आपका चक होता है ना, चक जिसमें आप वर्कपीस लगाते हैं, ठीक है, तो चक में, लेथ मशीन में चक को, इस चक के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और एक जो और होता है, जो आपका गियर क्या होता है, याद नहीं आ रहा, जो कि आपका सैडल को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, उसका नाम लिखिएगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, अभी पहले सवाल कर चुके हैं। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड इन वॉचेज एंड लेथ मशीन। देखिए यहाँ पे आ गया वही सवाल जो अभी बात कर रहे थे, जो अभी बताए हैं, तो क्या हो गया आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन आ गया ना, ये सवाल रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है। अभी ये बताएं, अगला सवाल कह रहा है, विच पेयर ऑफ गियर्स यूजुअली हैज हायर फ्रिक्शनल लॉसेज। तो जिनकी इफिशियंसी कम होगी उनमें लॉसेज ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्म एंड वर्म व्हील का जो होता है इफिशियंसी सबसे कम होता है, तो फ्रिक्शनल लॉसेस बीच में क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। है ना?
कंपाउंड गियर नहीं होगा अविनाश कुमार पिछले वाले में, ठीक है अपना ठीक कर लीजिएगा, रिवर्टेड गियर ट्रेन होता। कंपाउंड गियर का मतलब होता है एक ही शाफ्ट पर दो गियर को लगाना, लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे सवाल में ये बोला जा रहा है कि आपका यहां पे सवाल में ये बोला जा रहा है कि आपका दो ड्राइवर और ड्रिवेन गियर आर सेम, यानी ड्राइवर गियर और ड्रिवेन गियर सेम ही है एक तरह से, ठीक है, बस स्पीड रिडक्शन जो है आपका हो रहा है या स्पीड का घटाव या बढ़ाव आप कर सकते हैं वो हो रहा है, ठीक है। तो वो जो होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन में ही होता है, ठीक है। इस सवाल को हम लोग कर रहे थे, तो इसका सवाल कह रहा है विच पेयर ऑफ, कह रहा कि विच पेयर ऑफ गियर्स यूजली हैज हायर फ्रिक्शनल लॉसेज, तो आपको बता ही दिया वर्म एंड वर्मिल, क्योंकि इसकी इफिशियंसी सबसे कम होता है तो लॉसेज भी क्या होंगे सबसे ज्यादा होंगे इसमें। अगला सवाल कह रहा है एक्सेस ऑफ ए पेयर ऑफ स्पर गियर आर 200 mm अपार्ट, द गियर रेशियो इज 3:1 एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 20, द मॉड्यूल ऑफ द गियर इज, तो गियर का मॉड्यूल क्या है। तो कह रहा है इफ द एक्सेस ऑफ ए पेयर ऑफ स्पर गियर, जो दोनों के एक्सिस के डिस्टेंस जो है वो 200 mm है, तो आपको बताए थे याद करिए कि एम टी वन बाई टू जो रेडियस होगा पहले का आर वन का ये होगा, दूसरे का जो है रेडियस होगा एम टी टू बाई टू। मान लीजिए हम मानते हैं टी वन पिनियन है और टी टू क्या है गियर है, ठीक है ना, तो आपका गियर जो है गियर रेशियो का मतलब ही क्या होता है, गियर रेशियो मतलब होता है गियर पर यानी बड़े वाले पर टीथ अपॉन छोटे वाले पर टीथ। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं चाहे तो, इसको हम छोटा वाला कर दे रहे हैं एम टी और इसको बड़ा वाला कर दे रहे हैं टी वन टी टू से अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टीथ को ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी दिया हुआ है, ये कैपिटल टी बाई स्मॉल टी जो दिया है वो 3:1 दिया है, ठीक है, यानी कि 3:1 दिया है, इसका रेशियो कितना दिया है 3:1, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस होता है, याद करिए दोनों का आर वन प्लस आर टू फार्मूला आपको बताए थे पहले, ये बता चुके हैं इसीलिए अब नहीं बताएंगे, ठीक है, 200 क्योंकि आप लोग पीछे का नहीं देख रहे हैं बहुत लोग, और जो लोग आंसर कर दिए वेरी गुड, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। ये है 200, मॉड्यूल कितना दिया है, तो आप चाहे तो यहां से m बाई टू क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, तो स्मॉल t प्लस t नहीं अंदर बच जाएगा और ये हो गया 200। मॉड्यूल आपका दिया हुआ है, मॉड्यूल कितना है 20 है, तो 20 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में, 20 दा में 200 से गुणा हो जाएगा, तो आपका मॉड्यूल का आपने मान रख दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए 2 से गुणा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी स्मॉल t प्लस कैपिटल t कितना हो गया 20 mm, ठीक है। अब चाहे तो यहां से रख लीजिए स्मॉल टी के जगह या कैपिटल टी के जगह, तो कैपिटल टी के जगह पर क्या हो जाएगा 3t, तो यहां पे कर लेते हैं टी प्लस 3t, टी प्लस 3t, ठीक है ना, 3 small t इज इक्वल टू 20, यानी टी यहां पे होगा 4t, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 20 में तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 टीथ क्या आ रहे हैं, 5 दांते आ रहे हैं, अरे यहां पे दिया भी है यार, ओ उल्टा ही मैंने लगा दिया, मुझे क्या करना चाहिए था, मॉड्यूल दिया, मॉड्यूल निकालना था जबकि ये क्या दिया था स्मॉल टी दिया हुआ था, सॉरी यहां पे मैं क्वेश्चन को गलत कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे एक बार ये जो है मैंने कुछ और ले लिया, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ऐसे भी अगर सवाल पूछ दिया मतलब ये तो टीथ दिया हुआ है, अगर मॉड्यूल दे दिया होता इसी के जगह पर तो क्या होता आपका आंसर तब भी आ जाता, ठीक है, तो मतलब तब आप सवाल वही लगाते जैसे हमने अभी लगाया, ठीक है, तो लेकिन यहां पे कह रहा है मॉड्यूल निकालिए, तो चलिए m बाई टू कॉमन कर लेते हैं और स्मॉल टी दिया हुआ है, स्मॉल टी कितना है 20 है, तो कैपिटल टी बटे 20 इज इक्वल टू 3:1, तो कैपिटल टी यानी जो बड़ा वाला गियर है उसमें कितने दांत हैं 60 है 60 है, तो ये हो गया स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू 200, तो यहां से क्या हो जाता है आपका स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों का मान रख दीजिए तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80, तो यहां से क्या हो जाता है एम इज इक्वल टू 200 × 2 डिवाइडेड बाई कितना 80 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो 2 से ये कितनी बार में 40 बार में, 4 से ये तो 4 × 5 = 20, तब भी वही आया,
मॉड्यूल भी कितना आया, 5 आया, मॉड्यूल कितना आया, 5 आया, मतलब वही चीज, तो 5 mm होगा आपका। वेरी गुड, आपने आंसर सही किया गौतम सिंह, आपका आएगा। कोई कोर्स बाय किया है क्या? कोर्स जो है वो तो आपका ये जेई के लिए नहीं है, वो तो सेमेस्टर के लिए, ठीक है, ये तो आपके लिए एमसीक्यू कराया जाएगा जेई के लिए, ठीक है। कोर्स अगर नहीं, अगर आप, बहुत सस्ता है, आप देख लीजिए एक बार, हम तो कहेंगे पढ़ लेंगे पूरे अच्छे से डिटेल में पूरा थ्योरी, अगर आप अभी सेमेस्टर में हैं तो बहुत फायदा करेगा। देखिए हम बता रहे हैं ये सब चीज़ें तो हम समझ ही रहे हैं कि जेई की चीज़ें जब हम करवा रहे हैं तो डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ाए ही होंगे, ठीक है, और चीज़ें हमको पता भी होंगी कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें। आप एक बार जो है जाके उसका क्या बोलते हैं डेमो देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है द आउटर सर्कल ऑफ स्पर गियर इज कॉल्ड एज, तो जो आउटर सर्कल होता है स्पर गियर का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे आउटर सर्कल को हम बोलते हैं, हाँ गौतम एम निकालना था, निकाल दिए हम लोग, ठीक है। तो आउटर सर्कल जो होता है स्पर गियर का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एडेंडम सर्कल, ठीक है, क्या बोलते हैं एडेंडम सर्कल, क्या हो गया एडेंडम सर्कल। ठीक है, क्या होता है एडेंडम सर्कल। तो अभी ये कंप्लीट हो गया आपका, इसके बाद नहीं कोई क्वेश्चन है तो ₹100 फीस कम कर दी, फीस 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, कोई और मतलब हमारे जो हेड सर हैं उनको वो सब देखते हैं, ठीक है, तो उनका ये सब काम है, हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ाना है और आपको बताना है कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, जब आप किसी भी कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग 13 लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें से कितने लोग एसएससी जेई का मतलब एग्जाम सच में देना चाहते हैं, चाहे वो फाइनल ईयर के हो चाहे पास आउट हो, एक बार बोलिए, तो एक बार कुछ भी बोल दीजिए, थम्स अप या एस या नो, कुछ भी एस कर दीजिए। 13 लोग जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग मतलब चाहते हैं आगे तैयारी करना हमसे, मतलब एमसीक्यू उसका, देखिए जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो भी एग्जाम देंगे, ठीक है, उनको भी हम बताए थे कि आप एग्जाम दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, डीआरडीओ में भी यही सब होते हैं, डीआरडीओ से और उससे कोई अलग नहीं है। एस एस तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का आया, 7 लोगों का, अच्छा सबका आ रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, तब आप लोगों का अगला जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा वो थर्मल इंजीनियरिंग किया जाएगा, बस आप लोग बने रहेंगे तब हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोग ऐसे छोड़ के बीच में चले जाएंगे, जैसे बीच बीच में कई सेशन में हुआ है कि बस एक लोग दो लोग लाइव रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है, कभी कभी एक भी नहीं लाइव रहे हैं, बस हम वैसे चिल्ला रहे थे, तो अगर आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हम जो है ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगला जो होगा वो थर्मल इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग अगला स्टार्ट होगा आपका, और आपको लाइव आना होगा, ठीक है, ये बता दे रहे हैं, तो आप लोगों को लाइव आना होगा। अच्छा गौतम सिंह आप भी अपियरिंग में फॉर्म फिल किए हैं, सब बहुत बच्चे होंगे अपियरिंग में फॉर्म फिल किए होंगे एसएससी जेई का, ठीक है, और आप एग्जाम दीजिए, अभी आप अपने आप को टेस्ट करिए शुरू शुरू में, क्योंकि एसएससी जेई इतना आसान मत समझिए, क्योंकि उसमें बीटेक वाले जो डायरेक्ट बीटेक किए होते हैं वो भी डिप्लोमा प्लस बीटेक तो होते ही हैं, बीटेक वाले सीधे बीटेक या एमटेक वाले एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आप डिप्लोमा बस किए हैं वो एमटेक किए हैं,
तो उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, बहुत कुछ है। तो आप ये नहीं कह रहे कि आप पहली बार में नहीं निकाल सकते, डेडिकेशन होगा तो। फिर भी कितना भी आप डेडिकेशन बना लीजिए, एग्जाम में गलतियां आपसे हो जाती हैं। और ये बड़ा ही मतलब वो है, एक अपने आप को पूरा एकदम मतलब कहते हैं ना, सुसज्जित करके एग्जाम देना है, देना पड़ता है ये वाला। अपने आप को पूरी तरह से आप सुसज्जित कर लीजिए, तब जाके एग्जाम देंगे तो आपका एकदम मतलब बेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने आप को मतलब आंकिए जाके एग्जाम दे के कि हाँ कैसे चीजें पूछी जा रही हैं, क्या क्या है। ठीक है सर, नंबर लास्ट में 577 है। हाँ वही है। अब देखिए ये थर्मल, हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो क्योंकि इसका जो है आपका ये पीपीटी बन नहीं पाया थर्मल का, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि हम हमारा मनोबल सच में बताया तो डाउन हो गया था आप लोगों का संख्या देख के, कि लग रहा है अब चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोग इतने लोग अगर कमेंट कर दिए, अभी कम से कम 10 लोग हैं, तो 10 लोग अगर प्रोडक्शन से सवाल नहीं आते हैं अभी, स्टूडियो प्रोडक्शन से बहुत आएगा तो 10 सवाल आएगा, और 10 सवाल में आप 4-5 अगर थोड़ा भी प्रोडक्शन पढ़े हैं तो कर भी लेंगे। तो प्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट अभी मत करिए, क्योंकि थर्मल से पता है आपको पिछली बार कितना क्वेश्चन आया था। थर्मल में बता रहे हैं आपको क्या क्या पोर्शन है उनसे मिला के। थर्मल में सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो पहले वही पढ़ना है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज ध्यान से देखेंगे, प्योर सब्सटेंसेज, आईसी आईसी इंजन, पावर प्लांट है। उसके बाद पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट में गैस टरबाइन सब कुछ हो जाएगा, गैस टरबाइन आपका, स्टीम टरबाइन सब कुछ, बॉयलर वगैरह सब। और उसके बाद आपका आईसी इंजन, आईसी इंजन, और उसके बाद है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इनसे मिला के 50 से 60 क्वेश्चन आए थे। तो आप इसको पहले पढ़ेंगे कि पहले प्रोडक्शन पढ़ेंगे? 50 से 60 क्वेश्चन इसी से आए थे। आप जाके प्रीवियस ईयर पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं लग रहा है आपको, आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर खुद चेक कर लीजिए। आपको ऐसे कहीं गूगल पे डाल देंगे, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आपको गूगल पे डालेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी कल से तो आप देखते हैं, क्योंकि पेपर अभी बना नहीं है। ठीक है, अभी आपको बताया ही है मनोबल जो है डाउन हो गया था, आप लोग का संख्या दिख ही नहीं रहा था। तो जैसे ही हमको मतलब जैसे ही हमको लग जाएगा मतलब जैसे ही पेपर बन जाएगा, हम डाल देंगे, पोस्ट में भी डाल देंगे और क्लास भी शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, क्लास भी शेड्यूल कर देंगे। हाँ, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर भी होता है, हीट ट्रांसफर जो आपने बताया, हीट एंड मास ट्रांसफर। हालांकि मास नहीं पूछा जाता आपसे, बस हीट ट्रांसफर पूछा जाता है, हीट ट्रांसफर भी है। और प्योर सब्सटेंसेज को इसी में जोड़ दीजिए, प्रॉपर्टीज आप, लेकिन ये समझिए अलग ही चैप्टर है। हीट ट्रांसफर भी आपने जवाब दिया। तो थर्मल जो है स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन आपको बने रहना होगा। अगर जो है आप लोग छोड़ के गए बीच में फिर से, तो फिर उसी समय बंद कर दिया जाएगा क्लास। ठीक है, तो आपको आना होगा डेली। फिर हम लोग थर्मल पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज इतने संख्या में आके मेरा जो है वो थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। अदरवाइज तो मेरा जो है चल रहा था यही कि अब तो लग रहा है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है एक तरह से। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थर्मल इंजीनियरिंग है एसएससी जेई के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, और हम जो है जल्दी ही, आप लोग थोड़ा सा अपना बेसिक तैयार कर लीजिएगा और जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, क्लास वगैरह शेड्यूल कर देंगे, ग्रुप्स वगैरह, ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक ग्रुप है नीचे आपको मिल जाएंगे चैनल्स के, आपका एक पॉलिटेक्निक पाठशाला जो है चैनल है हमारा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे सब मिल जाएगा।
एक पॉलिटेक्निक पाठशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रुप है, उसमें आप बात भी कर सकते हैं, इसमें तो आप कुछ नहीं बोल सकते, पॉलिटेक्निक पाठशाला जो चैनल है, ठीक है ना। तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रुप है, पॉलिटेक्निक पाठशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू खुशी गौर, तो ये सब ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर जो है हम लोग मिलते हैं, ठीक है। उसमें हम आपको बता देंगे और आपका क्लास शेड्यूल कर देंगे, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेज देंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सुफियान खान, खुशी गौ, गौतम सिंह, अभी स्टूडियो, सबको थैंक यू, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। मनोबल हमारा बढ़ाते रहिएगा, आपको अच्छा कंटेंट ही हम देंगे, अच्छी चीज़ें ही देंगे, इतना मान लीजिए, ठीक है। अपने ओर से हम 110% देते हैं, अब चाहे आपको लगता हो या न लगता हो वो अलग बात है, ठीक है। थैंक यू।